नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, में हूं आपके साथ शोभना यादव। आधे हिंदुस्तान में बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बीती रात से सौराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले सब उफान पर हैं। सुरेंद्रनगर में कुछ लोग पानी की तेज धार में फंस गए हैं, जिसके बाद लहरों के बीच जिंदगी की जंग शुरू हो गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों की सूचना देने के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी के सहारे लोगों को पानी की तेज धार से निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई। खास ध्यान रखना, प्रेग्नेंट लेडी है, खास ध्यान रखना। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लहरों के बीच फंसे ये लोग खौफजदा हैं। एनडीआरएफ की टीम रस्सियों के सहारे एक एक कर लोगों को बाहर निकाल रही है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। आप देख सकते हैं हर तरफ पानी ही पानी, रस्सी के सहारे। एनडीआरएफ की टीम को भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं और बड़ी मुश्किल के साथ वो इन लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और इनको बचा रहे हैं। अरविंद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या अपडेट है, क्या सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? शोभना, बीती रात से गुजरात में बारिश हो रही है और उससे खासकर सौराष्ट्र पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अरविंद, क्या अपडेट है, क्या सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? शोभना, बीती रात से गुजरात में बारिश हो रही है और उससे खासकर सौराष्ट्र पूरी तरह से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। मच्छू डैम और इसके अलावा आसपास की भोगाव नदियां उफान पर चल रही है। कई डैम ओवरफ्लो हुए हैं और इसके चलते जो है ना, नदियों के बहाव के चलते कई गांव पानी में डूब गए हैं। सुरेंद्रनगर के आसपास करीब 28 लोग फंसे हैं, जिनमें से 8-10 लोगों को एनडीआरएफ ने निकाल लिया है और कुछ लोग जो फंसे हुए उनको निकालने के लिए ये वायुयान की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर से उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ लोगों को निकाला गया है, कुछ लोगों को निकाला जाना बाकी है, क्योंकि बारिश के चलते मौसम जो है ना, इस काम में बाधा डाल रहा है और बारिश अभी लगातार जारी है। अरविंद, आप हमें ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि हर तरफ पानी पानी है, गाँव में पानी घुस गया है, लगभग कितना बड़ा ये इलाका होगा और कितने लोग इसमें प्रभावित है? देखिए, पूरा गुजरात बारिश की चपेट में है, जिसमें खासकर सुरेंद्रनगर, राजकोट, अमरेली, मोरबी, ये जिले खासे प्रभावित हैं। इसमें सबसे ज्यादा बरसात जो है ना, सुरेंद्रनगर और मोरबी के आसपास हो रही है, जिसमें सबसे अधिक लोग सुरेंद्रनगर और मोरबी के आसपास प्रभावित है। राजकोट में भी बारिश है और राजकोट में भी जल भराव हुआ है, क्योंकि इतनी स्थिति वहां पर भयानक नहीं है, लेकिन सबसे हालात जो है ना, खराब अगर हो रहे हैं तो सुरेंद्रनगर और अमरेली और मोरबी के आसपास है। यहाँ कई लोगों के बरसात में फंसे होने की खबर है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। अभी कुछ लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम किस तरह लोगों को बचा रही है। ये जो पूरा जल जल हर तरफ पानी पानी हो गया है, उससे बचाने के लिए लोगों को रस्सियों के सहारे बाहर निकाला जा रहा है और कई गांव इससे प्रभावित है। एक तरह से पूरा गुजरात में ही पानी भरा हुआ है, लेकिन कुछ इलाके जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है, वहां से एनडीआरएफ की टीम लोगों को बचा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह कंधे पे उठा उठाकर, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी मदद है। लोग जब इस तरह से फंस जाते हैं, ना खाने पीने की व्यवस्था होती है, हर तरफ पानी पानी है, ना आप कुछ कहीं जा सकते हैं, और इस तरह से जब कोई मदद सरकार की तरफ से की जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और गनीमत रही कि किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं और लोगों को बचाया जा रहा है। 3 कैमरों की मदद से हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं पानी में बहाव भी है और ऐसे में लोगों को पकड़ पकड़ के वहां से निकालना पड़ रहा है। परिवार में बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, पुरुष एक बार कर भी लें इस तरह की समस्याओं का सामना, लेकिन बुजुर्गों के साथ क्या करें, बच्चों का क्या करें, महिलाओं का क्या करें। एनडीआरएफ की टीम ऐसे में पहुंची है और लोगों को लगातार बचाने की कोशिश कर रही है। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जब ये अपने गांव से विस्थापित हो रहे हैं तो इनके रुकने की क्या व्यवस्था की है प्रशासन ने? सुरेंद्रनगर मोरबी के आसपास कुछ सेंटर बनाए गए हैं, रेस्क्यू सेंटर, जहां जिन लोगों को जो स्थानांतरित होकर आए हैं उनको रखा जा रहा है। करीब 2500 लोग सुरेंद्रनगर और मोरबी के आसपास से
जो निचले इलाकों में थे उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वहां पर लोगों की व्यवस्था की गई है, जिला प्रशासन उनके लिए पूरी तरीके से व्यवस्था कर रहा है। और एनडीआरएफ का जो काम है वो काबिले तारीफ है। जिस तरीके से आप विजुअल में देखेंगे, सात माह की गर्भवती महिला जो बाढ़ में फंसी हुई थी उसको रेस्क्यू किया गया, उसके बच्चे को भी एक और बच्चे को रेस्क्यू किया गया और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लगातार प्रशासन जो है ना इस हालात पर नजर बनाए हुए है। राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के जो जवान है ये एकदम भगवान की तरह मदद लेके इन लोगों के लिए पहुंचे हैं। हर तरफ पानी ही पानी है, बड़ी मुसीबत में है ये लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। गुजरात में मंदिर सैलाब में समा रहे हैं, वहीं ओडिशा में बाढ़ मंदिरों को ढहा रही है। पांच हजार साल पुराना मंदिर पानी पानी। बारिश में डूबा भगवान का घर। मंदिर का मुख्य द्वार आधे से ज्यादा डूब चुका है। मंदिर के चारों तरफ सैलाब बह रहा है। तबाही की इस बाढ़ में पुजारी दूर से ही पूजा पाठ कर रहे हैं। दो दिन की बारिश के बाद गिर सोमनाथ का प्राचीन तीर्थ पानी पानी हो चुका है। लोग बताते हैं कि रात में ये मंदिर पानी में पूरी तरह डूब चुका था। सुबह भी मंदिर का 10 फीट हिस्सा पानी में डूबा दिखा और उसी में डूबी है भगवान की प्रतिमा। इस साल की ये बारिश की पहली बाढ़ आई हुई है और जैसे ही बाढ़ आती है भगवान जल के अंदर मग्न हो जाते हैं और यही दर्शन का यहाँ पे महात्म्य है और लोग आके बड़े अनुभव ले रहे हैं इस दर्शन का। अभी भी बारिश शुरू है, बाढ़ तो आनी ही है। अभी 15-20 दिन तक ये बाढ़ रहेगी, तब तक भगवान की सेवा पूजा भोग सब ऊपर से यहाँ भगवान की जो दादी लगाई हुई है वहाँ से होगा। कहा जाता है कि 5000 साल पहले भगवान कृष्ण यहाँ आए थे और ये मंदिर भी उतना ही पुराना है। गुजरात में भारी बारिश से शहर शहर गांव गांव तबाही मची है। कई जगह सड़कें सैलाब में समा चुकी हैं, पुलों के ऊपर तक नदी की बाढ़ आ गई है। 19 जुलाई को कच्छ इलाके में ऐसे ही पुल को पार करते वक्त एक लड़का नदी में बह गया और उसकी मौत हो गई। नवसारी जिले में बारिश और बाढ़ में सड़कें जलमग्न हैं और घुटने से ज्यादा पानी में लोग अर्थियां ले जाने को मजबूर हैं। गुजरात के वलसाड, बनासकांठा, तापी, मेहसाणा और अहमदाबाद में भी लगातार बारिश हो रही है और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। गुजरात में बारिश बाढ़ से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और मानसून के मौसम में खतरा बढ़ता ही जा रहा है। सोमनाथ से माधव राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान के 16 राज्यों में बारिश और बाढ़ से जबरदस्त कहर मचा हुआ है। बाढ़ बारिश से हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। हिंदुस्तान में बारिश बाढ़ से हाहाकार। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही से त्राहिमाम। शहर शहर जल प्रहार से कोहराम। कहीं बाढ़ में डूब गए भगवान, कहीं सैलाब में बह रहे इंसान। सोलह राज्यों में बाढ़ से मची बड़ी तबाही। भैया
पानी की प्रचंड लहर की ये तस्वीर दिल दहला देती है। सैलाब का कहर ऐसा कि यहाँ लोग दुकानों की बांस बल्लियों को पकड़कर चल रहे हैं। जिस पुलिया पर चलने में लोगों का कलेजा कांप जा रहा है, दो चार कदम चलने में हिम्मत टूट जा रही है, उसी पुलिया पर दो लोग बह गए। देखिए, पुल पार करने के लिए उस तरफ कुछ लोग खड़े हैं, वहीं पर एक शख्स कदम आगे बढ़ाता है और सैलाब में समा जाता है। उसे बचाने के लिए एक शख्स झुकता है, लेकिन तब तक उसका साथी नदी में बह जाता है। जो इंसान सैलाब में बह गया, वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से परिवार के साथ माँ काली की पूजा करने यहाँ पहुँचा था। नदी में उसके बहते ही परिवार वाले चीख पुकार करने लगे। इसी बीच वो इंसान दरिया की दूसरी तरफ बहता हुआ दिखा, लेकिन इस तरफ भी पानी की धारा इतनी तेज थी कि उसमें कूदने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। यहाँ सब के सब इसी सोच में डूबे रहे कि क्या ये श्रद्धालु बच पाएगा या नदी की बाढ़ में बह जाएगा। महज 20 सेकंड बाद सैलाब में बहता हुआ ये शख्स नदी के बीचों बीच पहुंच गया। पानी के तेज बहाव में वो एक बड़े पत्थर से टकराया और फिर उसी पत्थर को पकड़कर नदी में बैठ गया। इस बीच दो दुकानदार उसे बचाने नदी में कूद गए। पहले एक लड़का उसके पास पहुंचा और उसे पकड़कर उठाया, फिर दोनों लड़के उसे पकड़कर नदी से बाहर निकालने लगे। नदी किनारे पहुंचने से पहले एक बार फिर इसका पैर फिसला, लेकिन लड़कों ने इसे संभाल लिया और इस तरह ये नदी से बाहर निकल पाया। अब आपको बारिश और बाढ़ के बीच दर्द में लिपटी एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ लोग पेट की आग बुझाने के लिए जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में लोग कंधे पर लादकर बाइक सवारों को उफनता नाला पार करा रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दो लोग जैसे कांवड़ को लेके जाते हैं, उस तरह से मोटरसाइकिल सवार को ये नाला जो है ये पार करा रहे हैं। कोरबा के पाली में भारी बारिश से नदी नालों में उफान आ गया है और इसका पानी सड़कों और पुलिया के ऊपर से गुजरने लगा है। इतने पानी में बाइक सवार गुजरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ऐसे में कुछ लोग बाइक और बाइक सवारों को कंधे पर लाद कर नाला पार कराते हैं। कम से कम तीन लोग बांस को कांवड़ की तरह बनाकर बाइक और बाइक सवार को सैलाब के संकट से निकालते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस तरह कंधे पर इंसान समेत बाइक को लेकर बाढ़ से निकलना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कुछ लोग महज 30 रुपए के लिए इस काम को अंजाम दे रहे हैं। आप इन लोगों की मजबूरी समझिए कि पेट पालने के लिए वो अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार है और मोटरसाइकिल वाले को इस तरह से कांवड़ बनाकर नदी और नाला पार करा रहे हैं।